फरीदाबाद में तीसरा चरण के मतदान को लेकर बारून प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आज जहां बिहार में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, वहीं पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। चाहे जन प्रतिनिधि हो या जनता, या फिर नामांकन दाखिल करने को लेकर कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी, सभी के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते देखा जा सकता है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब इस बिंदु पर राजद के जिला प्रवक्ता अनिल टाइगर से बात किया गया तो उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए लोगों से अपील किया है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करें तथा एक दूसरे से दूरियां बना कर रखे। वहीं जब ड्यूटी पर लगी कर्मी से बात की गई तो उन्होंने वॉशरूम का बहाना बनाया। नहीं ना, तो फिर मास्क नहीं लगाए हैं, क्या कारण? तब से लगाए हुए थे, अभी वॉशरूम कहना तरीका। तथा प्रत्याशी से जब बात की गई तो उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दे डाली और कहा कि हमारे पास 5 गज की धोती है, उसी से मुंह नाक ढक लेंगे और मास्क लगाना उचित नहीं समझा। सब पालन हो रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट आप बताए, कोरोना का तो आप भी पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क आपका भी नहीं है, इसीलिए आप हमसे पूछ रहे हैं। हमारे पास तो 5 गज के धोती है, उसे भी हम ढक लेंगे। तो धोती मास्क थोड़े हो जाता है, ढाई मीटर के गमछा भी रखते हैं, गने है कोरोना के लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी, ये जान रहे हैं बीमारी में कितना आदमी अनाथ हो गया, कितना माँ का गोद सूना हो गया, कितना बहन के मांग का सिंदूर चला गया। इसके लिए मेरा कहना है कि मास्क पहन कर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में जहाँ तक उम्मीद है रहिए। अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना है, इसके लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।